नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में पहली खबर आगरमालवा से है, जहां भीषण गर्मी में इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर कूलर का स्टॉक हुआ खत्म, ग्राहक हो रहे परेशान। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां ज्येष्ठ माह के प्रथम बड़ी मंगलवार को हनुमान जी के भक्तों ने जगह जगह किया भंडारे का आयोजन। साथ ही अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां काशीराम कॉलोनी टूंडला में युवक ने लगाई फांसी, परिजनों में बचा कोहराम। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगर मालवा से है, यहां गर्म हवाओं के थपेड़ों से आम जन परेशान है। भीषण गर्मी को देखते हुए हर इंसान को गर्मी से बचाव के लिए कूलर की आवश्यकता पड़ रही है। हर मकान और दुकान में कूलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूर्य देवता ने भी अपना उग्र रूप ले लिया है। इसके कारण तापमान में रोज वृद्धि होने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं दुकानदारों के पास काफ़ी कम कूलर बचे हैं, क्योंकि इस वक्त कूलर की डिमांड बढ़ चुकी है। दुकानदारों का इस पर कहना है कि गर्मी के सीज़न में ग्राहकों ने इतने कूलरों की खरीद की कि कूलरों की बिक्री का रिकॉर्ड ही टूट गया है। कंपनी ने सप्लाई नहीं हो पा रही है। सीज़न में कई दुकानों से 1,000 से ज़्यादा कूलरों की बिक्री हो रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, अभी कूलर अभी मिल ही नहीं रहे। जो छोटे कूलर हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बड़े कूलर हैं वो भी बिल्कुल नहीं आ पा रहे। तब गर्मी है पर अब कूलर बेचने के लिए नहीं, सप्लायर बना ही नहीं पा रहा है। सप्लायर का कहना है कि भाई बनाए कैसे, मोटर कहीं भी मोटर है तो पंप नहीं है, पंप है तो बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं है तो पकड़ी नहीं है। वो थक चुके बोल रहे भाई अब हमारे बस का नहीं बचा। अच्छा, प्रतिरोज आप कितने कूलर सेलिंग हो जाएगी? देखो भीषण गर्मी में तो आज की तारीख में अगर 100 कूलर भी मेरे पास हो तो डेली बिक जाए, पर अवेलेबल ही नहीं है, 10 कूलर नहीं मेरे पास आज। भीषण गर्मी में लोगों को रात के लिए कूलर चाहिए रहते हैं। कूलर इतने बिक गए हैं कि आगे से भी सप्लाई नहीं है, माल मिल नहीं रहा है, कस्टमर परेशान हो रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हम भी इतना स्टॉक रखने के बाद भी इतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो गर्मी का ही एक मुख्य कारण है कि इतनी भीषण गर्मी में सब। पिछले मैं मेरे शोरूम की बताऊं, पिछले 10 दिन में लगभग 300 कूलर का सेल है, और जितना स्टॉक हम लोगों ने किया था वो भी सारा ख़त्म हो गया है। डिमांड और है, हमारे सप्लायर हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ही नहीं पा रहे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, यहाँ तहसील सिरौली गौसपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष राम प्रसाद वर्मा एडवोकेट और श्री दिनेश चंद्र शुक्ला एडवोकेट, श्री काशी प्रसाद द्विवेदी आदि एडवोकेट द्वारा तहसील प्रांगण में बने श्री जागेश्वर महादेव मंदिर में रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ शुभारंभ करके भंडारे का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में उपस्थित महामंत्री अब्दुल अहद अंसारी एडवोकेट, पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दीपक कुमार सिंह, बाबा एडवोकेट देवेंद्र कुमार सिंह एडवोकेट, अशोक कुमार तिवारी, श्रवण सिंह, संग्राम सिंह आदि भारी संख्या में एडवोकेट उपस्थित रहे। वहीं मौलाबाद चौराहा और केवलापुर मंदिर पर भक्तों ने हनुमान जी का शुभ दिन बड़ा मंगलवार पर भंडारे का आयोजन किया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, यहां काशीराम कॉलोनी टूंडला में लगाई फांसी, परिजनों में मचा कोहराम। घटना की जानकारी नजदीकी थाना टूंडला को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और फॉरेंसिक टीम के द्वारा बॉडी को नीचे उतारा गया। बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। क्या नाम है आपका? रेखा नाम है मेरा। रेखा, आपको क्या घटना हुई है आपके घर पे? मेरा बच्चा खत्म है, वो फांसी लगाए के। अच्छा, किसी से कोई विवाद था उसका? कोई भैया लड़ाई नहीं होती गांव से। अच्छा, कहाँ पे फांसी लगाई इसने? नीचे कमरा में लगाई, रोटी खाई है संग, नीचे उतर के आओ। अच्छा, कौन सी जगह है ये? पीछे ही है जेरो कमरा। ये कौन सी जगह है जहाँ फांसी लगाई है? बन्ना काशीराम कॉलोनी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, यहाँ झूसी की ओर शास्त्री ब्रिज के पहले पुलिया पर मारुति आर्टिगा कार में अचानक आग लग गई। वहीं किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, गर्मी का सितम और हीट वेव के कारण ऐसा हुआ है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर कुरवाई से है, यहां संगीत में श्रीमद भागवत कथा में व्यास पंडित सुखदेव खेड़ी धाम बालों ने बताया कि भगवान का भजन सब समय मिलकर करना चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। व्यास जी महाराज ने अजामिल पंडित जी की कथा पर प्रकाश डाला और कहा कि गलत संगत का असर गलत होता है। अजामिल पंडित एक गणिका नाम की वैश्या पर मोहित हो गया और पहली पत्नी को घर से निकाल दिया। पंडित अजामिल डाकू अजामिल कहने लगा। एक दिन कुछ संतों का आगमन हुआ। गणिका कोई कि जो बेटा हुआ है वो संतों अजामिल से कहा बेटा का नाम नारायण एक लेना। अजामिल ने कहा ठीक है। उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया
और अजामिल का उद्धार हो गया। विदिशा से सीनियर संवाददाता शेष नारायण कलावत की रिपोर्ट। भदोई के थाना क्षेत्र औराई अंतर्गत भवानीपुर गांव में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें गांव भवानीपुर में 30 वर्षीय संदीप मौर्य उर्फ कल्लू मौर्य पुत्र कुमार पुत्र सोमराव मौर्य ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। थाना प्रभारी औराई सज्जदानंद ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भदोई से सीनियर संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। कैमूर जिला अंतर्गत रामपुर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय अकोड़ी में मंगलवार को जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सर्वप्रथम जय श्री राम का नारा लगाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन चोरबा पार्टी है, गठबंधन नहीं ठगबंधन पार्टी बनाई है। पीएम का चेहरा ही नहीं है, कभी कहते हैं ममता बनर्जी उम्मीदवार है, कभी हेमंत सोरेन, लेकिन मोदी जी 2014 में आए, पूरी दुनिया में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, गरीबी रेखा से गरीबों को हटाने का काम किया। वहीं मंच पर उपस्थित संजय जायसवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद बेतिया ने संबोधन में लोगों को पीएम मोदी द्वारा चलाए गए योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर सांसद प्रत्याशी शिवेश राम, पूर्व विधायक रिंकी रानी पांडे, वर्तमान विधायक भारत बिंद, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विमलेश पांडे मौजूद रहे। जी आज यहाँ क्या हुआ? जी जी इसी कार्यक्रम में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई सुरेश राम जी के लिए वोट मांग रहे हैं, भारी मतों से उनको जिताने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। आज का ये जन सैलाब देखकर आपको कैसा महसूस हुआ? आज के जन सैलाब देख के बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में और जितना टेम्परेचर है आज का, उस हिसाब से घर में जनता को सोना चाहिए, लेकिन हमारे नेता के आने पर, हमारे प्रत्याशी के आने पर और हमारे आग्रह पर सभी लोग घर से निकलकर और यहाँ इस फील्ड में जहाँ एक पेड़ भी नहीं है, छांव भी नहीं है, इस टेंट के नीचे बैठकर अपने नेता को सुनने का काम किया, उसके लिए यहाँ के जनता को बहुत सारी धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मिलकर हमारे प्रत्याशी भाई सुरेश राम जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज में जो 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस पर किशोरियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर प्रयागराज के अंतर्गत अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश के कुशल दिशा निर्देशन में सभी उपकेंद्रों पर सभी सीएचओ और एएनएम द्वारा किशोरियों को महावारी के दौरान होने वाली समस्याओं से निपटने संबंधित जानकारी दी गई। इसी के साथ उपकेंद्र समोगरा और उपकेंद्र रामनगर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात आरकेएस के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार द्वारा किशोरियों को महावारी स्वच्छता पर विस्तारपूर्वक बताया गया कि कैसे उपयोग करना है। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएचओ शिखा, सीएचओ रिंकी, एएनएम प्रियंका, संगनी श्वेता पटेल, आशा में प्रतिभा सीमा गेंदा इत्यादि मौजूद रहे। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर बकानी से है। यहां पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई करवाने वाले आरोपी को करीब 2 साल से फरार था उसको गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषा तोमर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा के निर्देशन, साथ ही उप अधीक्षक द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। संत कबीर नगर स्थित तहसील मुख्यालय पर स्थित तहसील बाग में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल जी की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। नाथनगर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और एसआर इंटरनेशनल एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश चतुर्वेदी ने जीपीए के बैनर तले आयोजित सभा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर संगठन के संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जीपीए के संस्थापक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पत्रकारों के संघर्ष कर्ता विनिष्ठा का प्रेरणा स्रोत बताया। इससे पहले श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने पर जीपीए के जिलाध्यक्ष सौरभ कुमार त्रिपाठी के श्रद्धांजलि सभा में जीपीए के मूल सिद्धांतों का वर्णन किया। इस मौके पर बुद्धि सागर पांडे, डॉक्टर मनोज शुक्ला, प्राचार्य वेद प्रकाश पांडे, अमित मिश्रा, अश्विनी पांडे, विवेक सिंह, शिवराम चतुर्वेदी, काजी सरफराज अहमद इत्यादि लोग मौजूद रहे। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।